सबके सहायक श्री हनुमान। दुष्ट दलन है शंकर सोन श्री हनुमान। भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान। श्री चलो हनुमान चलते हैं। अक्षत की थाली हवा में कैसे थी? हनुमान जी, मेरी बेटी की रक्षा कवच बनकर आप खुद खड़े हैं। अंजना के नाम पर अन्नदान की सारी तैयारियां हो गई? सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पिताजी। आओ बेटी आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। आज तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में पूजा करके तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। प्रसाद लो बेटी, लो। माँ ने घर पर भी पूजा की है पिताजी। उन्होंने बताया मुझे, जिस तरह पेड़ की छाया हमारे लिए जीवन का सहारा बनती है, वैसे ही वो घर तुम्हारे लिए जीवन का सहारा बना है। ये सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है। अंजना, स्कूल के लिए टाइम हो रहा है, भाई को लेकर जाओ। स्कूल कैसा है बेटी? बहुत अच्छा है, लेट ज्वाइन किया है पर सब ठीक है। बहुत अच्छा। देखो बेटी, तुम्हें पढ़ाई करके सबका नाम रोशन करना है। ठीक है पिताजी। आओ पवन। टुडेज लेसन। अंजना स्टैंड अप। तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? आज मेरा जन्मदिन है टीचर, इसीलिए नहीं पहना है। पढ़ाई में जीरो हो पर ये सब सही से करना आता है तुम्हें? तुमने लेट ज्वाइन किया, ऊपर से तुम स्कूल नहीं आते, डिसिप्लिन भी नहीं है तुम्हारे अंदर। आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी टीचर। चलो वो भी देखते हैं। चलो अपना होमवर्क बुक निकालो। ये क्या है, तुमने अपने होमवर्क बुक में जय हनुमान क्यों लिखा हुआ है? हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले ये लिखना मेरी आदत है मैडम। इंग्लिश की बुक में ही तुमने जय हनुमान क्यों लिखा है? तुम्हें अगर भगवान पसंद है तो किसी और बुक में जाकर लिखो। ऐसा नहीं कहते मैडम, ये गलत है। दोबारा मेरी क्लास की नोटबुक में इस तरह मत लिखना। अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है? दो चांटे लगे कि तभी तुम्हारे अंदर सुधार आएगा। हाथ आगे करो। स्टिक हवा में ऐसे क्यों रुके हैं जैसे किसी ने रोका हुआ है? पढ़ाई तो करनी आती नहीं है तुम्हें, अजीब तरीके के जादू सीखे। जाओ पीछे।
अंजना, हनुमान तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान, टीचर ने तुमको देख लिया तो गुस्सा करेगी। हनुमान चले जाओ, हनुमान चले जाओ, हनुमान जाओ, हनुमान। हनुमान कहाँ है? मेरे कहते ही यहाँ से कैसे चला गया? चलो, मैडम की हाथों मार खाने से बच गया। पता नहीं ये स्कूल कब खत्म होगा और कब अंजना बाहर आएगी। हे, इस बार हमें अंजना को जरूर ले जाना होगा, वरना काम नहीं होगा। अगर हम अंजना को रौद्र को सौंप देंगे तो उन 5 मूर्तियों को हम ले जा सकते हैं। आज तो इस बच्ची को आराम से उठा लेंगे। पिछली बार तो ये बच्ची रौद्र के हाथों से बचकर भाग गई थी, पर इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था तुमसे लंकेश को साथ लेते हैं, तुमने मना किया। हम यहाँ पर उन मूर्तियों के लिए आए हैं, ये बताना जरूरी है क्या? हाँ, पता नहीं उन मूर्तियों में ऐसी क्या शक्ति है। हम 4 लोग आए थे और 1 की मौत हो गई। शीला भी हमें छोड़कर चली गई। 6। ए, अब इस काम को खत्म किए बिना हम हार नहीं मान सकते। आज इस बच्ची को हम यहाँ से ले गए तो हमारा काम जरूर पूरा होगा। छोटे, 2 आइसक्रीम देना। ये लो रमेश। हे, लगता है स्कूल की छुट्टी हो गई। हनुमान, तुम मेरे लिए स्कूल के बाहर इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ। हनुमान, पैर दर्द हो रहे हैं क्या? अरे, मैं तो जंगल में घूमने वाला हूँ, मेरे पैरों में क्यों दर्द होगा? आज का मेरा दिन तो बहुत बुरा गया। आज तो मेरी टीचर ने मुझे बहुत डांटा। तुम्हें जो भी परेशानी हो, हनुमान नाम का जप करो, कोई परेशानी पास नहीं आएगी। ठीक है। श्री आंजनेय प्रसन्न हो, श्री आंजनेय प्रसन्न हो, श्री आंजनेय प्रसन्न हो। दीदी, घर चले? चलो। वो रही अंजना। इस बार कैसे भी करके हमें उस बच्ची को ले जाना ही होगा, किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। पानी, पानी, पानी,
ये क्या, हमें इतनी जलन क्यों हो रही है? हे हे, अंजना जा रही है, चलो चलते। अरे यार, फिर हमारे हाथों से बच गई। डॉक्टर साहब, देवयानी की तबीयत अब कैसी है? अब वो नॉर्मल है लक्ष्मी जी। तो फिर उसकी पट्टियां कब उतरेंगी? कल इस समय तक आप देवयानी को सही सलामत और सेहतमंद देख सकती हैं। तो कल उसको डिस्चार्ज कर देंगे डॉक्टर? नहीं, 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। 2-3 दिन लगेंगे? डॉक्टर साहब, जब से देवयानी ऐसी हुई है, सारा का सारा काम लक्ष्मी जी को ही करना पड़ रहा है। अगर ये जल्दी ठीक होकर घर आ जाएगी तो लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा खुशी होगी। देवयानी, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, बस हम यही चाहते हैं। देवयानी, उस अंजना का खेल खत्म करने के लिए तुम्हें जल्दी घर वापस आना होगा। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं आवाहयामि आवाहयामि ऐं ह्रीं क्लीं आवाहयामि। समस्त शूद्र शक्ति मैंने प्राप्त की है। अब एक छोटी सी बच्ची के मामले में ये रुकावट आ रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? ओम लिंग क्लिंग चामुंडाय विचे साहा, ओम लिंग क्लिंग चामुंडाय विचे। कहाँ है वो बच्ची? बताओ कहाँ है वो बच्ची? कहाँ है वो बच्ची? कहाँ है वो बच्ची, बताओ। अब बच्ची के बारे में जानकारी, हम उसके स्कूल गए थे। उसे यहाँ लेकर आने के लिए हम उसका वही इंतजार कर रहे थे। अब हमने बच्ची को देखा, हम तो बस उसे उठाने ही वाले थे कि हमारे गले में जलन होने लगी। हम वहां पर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन हमारे मुंह में जलन होने लगी। हमें पानी पीना था, इसलिए हम पानी ढूंढ रहे थे। इतने में एक गाड़ी आई और वो उसी में बैठकर चली गई। स्वामी, मुझे पता था उस बच्ची को लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। खामखा अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहा हूं मैं। वृद्धा वृद्धा, तुम लोग उस बच्ची को लेकर नहीं आ पाए ना?
जब तक वो बच्चे उस घर में है तब तक उसे तुम लोग तो क्या कोई उठा कर नहीं ला सकता। मुझे बताओ वो बच्चे स्कूल कब जाती है, मैं जाकर उसे उठा कर लाऊंगा। ओम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्लीं क्लीं 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 चामुंडाय विच्चे स्वाहा।